इधर ही लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट में क्या बोलूं, कब से 2 घंटे से मैं क्या 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 नहीं बता दिया। कलर अच्छा है बाल का। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हो सकता है और ही कलर कोई कलर है ना। जैसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जस्ट वन लाइन बाल कलर करा लिए तो इनको काम नहीं मिलेगा। आई डोंट नो व्हाट लॉजिक वाज दैट, क्योंकि अगर बालों के कलर से अगर काम मिल रहा होता तो फिर टैलेंट का अचान डालू। थैंक यू है ना, इसलिए मैंने चेंज किया है कि थोड़ा। अब क्या बाबा आए थे शॉपिंग तुम्हारे बारे में? वेट 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 नहीं बोल सकते। चुपना आई हैव अदर क्लोथ ऐसा था बजे। एक मिनट एक मिनट बुलाना 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 अरे बुलाना। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मैडम सर का ऑडिशन दिया था, फिर मीटिंग्स हुई थी, फिर मुझे पूरी कहानी उन्होंने बताई थी और मुझे देख के लगा था कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है, ये बाकी टेलीविजन से इतना ज्यादा अलग है कि इसका चलना एक बहुत बड़ा रिस्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आपकी जो आप चार लड़कियां हैं एक तो मेन, उसके अलावा चारों बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर्स हैं। नोबडी इज क्राइंग, नोबडी हैज सांस बहुत ड्रामा, नोबडी हैज टीयर्स इन द आईज ऑफ द टाइम। कोई बेचारी लाचार औरत की कहानी नहीं है, चारों बहुत स्ट्रांग है। उसके ऊपर से हम हर एपिसोड हर कहानी में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये इतना प्रोग्रेसिव शो और इतना डिफरेंट शो पता नहीं चलेगा कि नहीं, पर जब चलने लगा और जब लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा, जब टीआरपी बढ़ने लगी, जब फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, व्हेन पीपल स्टार्टेड लविंग द शो, आई थिंक वी वर ओवर द मून। वी वर सो हैप्पी एंड सो प्राउड दैट आई रिमेंबर एक खुशी की एक लहर होती थी हमेशा सेट पर, क्योंकि आप ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप अच्छी बुरी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करते हैं, बट वंस इन अ व्हाइल कम्स अ शो दैट प्रमोट्स द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मैडम सर वाज अ शो लाइक दैट। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस फॉर द एंटायर टीम इज वेरी कम। अगर बात करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जल्दी कुछ थिएटर में कुछ नया मैं हर प्रोजेक्ट के बीच में एक प्ले थिएटर करने का जो है वक्त निकाल पाऊँ और वो कर पाऊँ, बिकॉज एज एन एक्टर आई वुड सम प्रमोट दिस थिएटर। आई फील दिस इज अ डाइंग कल्चर एंड आई थिंक इट्स आवर जनरेशन दैट नीड्स टू रिवाइव इट, रिवैम्प इट एंड मेक इट बिगर। सो आई एम गोइंग टू प्ले एक बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक कॉमेडी प्ले है, अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ अ वेरी हॉइटी टॉइटी अमीरजादी गर्ल। इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी किया भी नहीं, मेरे पास इसे जहनी जमीन से जुड़े हुए रोल किए हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये इतना क्यूट सा कैरेक्टर करने में। एंड द फर्स्ट शो इज ऑन 27th ऑफ ऑगस्ट
इन बॉम्बे इन बालगंधर्व सो व्हेवर इज इन बॉम्बे प्लीज डू कम एंड वॉच आई एम गोइंग प्ले आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई विल नीड एवरीबॉडीज सपोर्ट बिकॉज आई एम अ लिटिल नर्वस अबाउट इट एंड आई लव ऑल आई नीड ऑल द लव एंड सपोर्ट गुलकी जी उसमें क्या कैरेक्टर होने वाला है आपका थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कुछ थोड़ा सा ही तुम्हारा चेहरा देख के मुझे बड़ी खुशी हो जाती है तुम कितने क्यूट हो ये बड़ा क्यूट सा रोल है अवनी नाम है इस लड़की का जो ऐसे बिल्कुल अमीर घर की ऐसी बड़ी हॉइटी टॉइटी सी ऐसी अमीर ज्यादा लड़की है अच्छी लड़की खराब लड़की नहीं है बट बस ऐसा है कि ये दुनिया मेरे लिए है और ये सब मेरे लिए है और उसकी जिंदगी में एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ एकदम ऑपोजिट पर्सनैलिटी का लड़का आता है एंड दैट्स द होल और फिर कैसे होता है उनको प्यार होता है नहीं होता है उनके बीच का रोमांस कॉमेडी इट्स अ वेरी नाइस लाइट हार्टेड फैमिली वॉचिंग प्ले और मेरे लिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैंने ऐसा किया नहीं तो मुझे बड़ा मजा आया तो जैसा कि आपने मैडम सर में पुलिस का रोल निभाया था लेकिन अब आपको काफी उससे अलग ही कैरेक्टर मिला तो जब आपको कैरेक्टर पता चले तो आपको कैसा लगा मुझे कैरेक्टर सुन के ही बहुत मजा आया क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अलग था मैं जो कर चुकी हूँ उससे अलग था मैंने इस तरह का रोल कभी किया नहीं है तो मुझे वही सुन के बहुत चैलेंजिंग लगा कि खुद को अब हसीना मलिक से निकाल के इस कैरेक्टर में ढलना दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस सो दैट्स द रीजन आई एम डूइंग इट जैसा कि आपने अभी बोला था कि जो थिएटर आते शो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं अभी ओटीटी वेब सीरीज आ गए इसकी वजह से लोग ज्यादातर उधर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन थिएटर में कम लोग अट्रैक्ट होते हैं तो आप वो आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे जो अभी तक थिएटर प्ले करते हैं और काफी लोग हैं जिनका लाइफ भी उधर ही रह गया है थिएटर में आई फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द पीपल हु आर डूइंग थिएटर वेरी सीरियसली हैट्स ऑफ टू देम यू गाइस आर द वन हु आर होल्डिंग द फोर्ट आउट सेकेंड मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है ओ टी टी है टेलीविजन है फिल्म है सब कुछ है वो थिएटर का अपना मजा है यार उसका एक अलग नशा है उसका एक अलग उसकी अलग एनर्जी है व्हेन यू गो इन अ थिएटर हॉल एंड वॉच पीपल परफॉर्मिंग ऑन स्टेज वो एक अलग एनर्जी एक्सचेंज है वेदर यू आर सिटिंग इन द ऑडियंस और वेदर यू आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज जो कैमरा के सामने आपकी वो कम्प्लीटली चीज बदल जाती है एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड ने हमें इतनी सारी चीजें सिखाई है कि अब सबको जो है अब सब जैसे होता है ना कि 3 साल सब घर में बंद थे अब सबको बाहर निकलना है सो एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गो आउट विद देयर फैमिली विद देयर फ्रेंड्स तो आप कितना जाओगे फिल्में देखने आप कितना जाओगे मॉल घूमने आप कितना जाओगे बाहर खाना खाने आओ थिएटर आओ प्ले देखने आओ सपोर्ट इट आई थिंक It's a beautiful culture and theatre should be supported and should be kept alive. आप अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Thank you. It's your love, which is my backbone. It is my spinal cord. I love you so much, and it's because of you that I keep experimenting with myself, whether it is my hair, whether it is my work, whether it is whatever it is. Because I know that you guys love me, and so keep loving me because I love you way more.